गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट तीन का प्रश्न नंबर एक और दो किया था। आज अपन करेंगे प्रश्न नंबर तीन, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ जो कविता की कुछ लाइनें दे रखी है और कुछ को छोड़ रखा है, तो आपको वहाँ पे उसका लाइनों को पूरा करना है। तो देखिए, बया हमारी, आप लिखेंगे आगे चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालो पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुमको दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन कविता की पंक्तियों को बोल बोल के पूरा करना है और इस कविता को आपको याद भी करना है और इस प्रश्न को आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? अब करेंगे प्रश्न नंबर एक भाषा ज्ञान का। तो देखिए, इसमें दे रखा है शब्दों को क्रमानुसार लगाते हुए कविता की पंक्तियों को लिखना है। तो देखिए, आप इसमें कई वाला दे रखा है आंगन देंगे भर से दानों। अब इसको कैसे जमाएंगे, दानों से आंगन भर देंगे। खे वाला देखिए, महल तिनके बनाती लाकर, तो इसको कैसे जमाएंगे, अब तिनके लाकर महल बनाती। तीसरा है पर जब, पर फिर जब निकलेंगे उनके, तो इसको आप कैसे जमाएंगे, फिर जब उनके पर निकलेंगे। रानी बया चिड़िया हमारी, और इसको कैसे जमाएंगे, बया हमारी चिड़िया रानी। इस प्रश्न को भी आपको किताब में ही भरना है, बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। फिर इसका भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर दो है, जिस शब्द में किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसमें खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द भर के अपने को वाक्य पूरे करने हैं। देखिए, मोनिका ने क्या पहनी, बारह सिंगा, कमल, फ्रॉक, कुर्सी या शेर, तो फ्रॉक, तो आप यह क्या लिखेंगे, फ्रॉक। मैंने चिड़ियाघर में क्या देखा, बारह सिंगा, तो आप यह क्या लिखेंगे, बारह सिंगा। गए जंगल का राजा कौन होता है, शेर, तो आप यह क्या लिखेंगे, शेर। मुझे का फूल अच्छा लगता है, किसका फूल अच्छा लगता है, यहाँ क्या दे रखा है, कमल, तो आप यह क्या लिखेंगे, कमल। यह बड़ी आरामदायक है क्या, कुर्सी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कुर्सी। तो देखिए, दूसरे के क में लिखेंगे फ्रॉक, ख में लिखेंगे बारह सिंगा, ग में लिखेंगे शेर, घ में लिखेंगे कमल और इसमें अंग वाले में लिखेंगे कुर्सी। तो इस तरीके से आपको आज मैंने प्रश्न नंबर तीन और प्रश्न नंबर भाषा ज्ञान का एक और दो, आपको इन तीनों ही प्रश्नों को क्या करना है, अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। थैंक यू।